हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। कल इवनिंग में मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने की कोशिश की थी कि उनके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होंगे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये रीडिंग लेकर आऊँ ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्या ब्लेसिंग, क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या मिरेकल्स हो जाए आपके साथ, तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। और ये भी हो सकता है कि जो कल रीडिंग आपके पार्टनर के लिए की है उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस, कुछ कंटेंट यहाँ पर निकल कर आए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, फील करते हैं एक दूसरे को, तो हो सकता है कि कुछ वाइस वर्सा हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी रहेगी। ठीक है, मैं आपके लिए साइकिक टैरोट से आपकी एनर्जी को चेक करूँगी, देन रीडिंग के एंड में आपके लिए गॉड एडवाइस भी लूंगी। ठीक है, गॉड आपको क्या एडवाइस देंगे जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी तो आप मत देखना, वीडियो को बंद कर देना, लेकिन अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, टाइमलेस है ये रीडिंग, आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। चलिए मैं साइकिक टैरोट से चेक करती हूँ, मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करके बताऊंगी। कैसी एनर्जी रहेगी आपकी। ठीक है गाइस, हमें लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो एंजल होते हैं, गॉड होते हैं, वो उन्हीं की लाइफ में चैलेंजेस भेजते हैं जिन पर उनको पूरी तरीके से विश्वास होता है कि ये पर्सन मेरे दिए हुए चैलेंज को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे निकलेंगे और लाइफ में एक बेटर लेसन लेंगे, और ताकि फिर वो दूसरों को भी गाइड कर सकें। ठीक है, तो हार्डशिप उन्हीं की लाइफ में आती है जो उसका सामना कर सकते हैं, तो इतने स्ट्रांग बनिए, इतने मतलब स्ट्रांग बनिए कि आप कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको मतलब उससे आप बाहर निकल कर आ पाएँ। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गो थ्रू करेंगे, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ डील करेंगे, उतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी होगी। ठीक है, एक बेटर पर्सन बनेंगे। कहते हैं ना, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद एक पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, एक्सपीरियंस उनका इतना अच्छा हो जाता है कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदलता है उस इंसान का। ठीक है, तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, मुझे अगर मेरी लाइफ में चैलेंज अगर आते हैं तो उसको मैं बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, उनके साथ डील करती हूँ, और डेफिनेटली एंड में जो उस चीज़ को डील करने के बाद जो खुशी मिलती है ना कि हाँ हमने ये कर दिया, बहुत खुशी मिलती है गाइस। तो हर चैलेंज को एक ब्लेसिंग मानकर एक्सेप्ट कीजिए और उससे लड़िए। ठीक है, और कुछ भी हो जाए खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊँगी, लव लाइफ भी कवर करूँगी। खुश रहना सीखिए गाइज, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ आप सभी को, स्टक मत होइए, परेशान मत होइए, रोइए मत, जिंदगी एक बार मिलती है, वेस्ट मत कीजिए। एक अच्छे पर्सन बनिए और आगे बढ़िए लाइफ में। चलिए कार्ड आ गया, वाओ, नंबर वन अवेयरनेस, मेजर अरखाना। ओके, वी हैव थ्री कार्ड्स, डेस्टिनी, वाओ, एंड
डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड मेमोरीज ऑफ लव. ब्यूटिफुल. ओके गाइज, जो मैंने अभी बात बोली कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उनसे डील कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, तो शायद बहुतों ने ये बात समझ ली है पहले ही. वेरी गुड गाइज. आपको अपनी शायद किस्मत पर भी बिलीव है अपनी. ओके, फर्टिलिटी, वेरी गुड. ये एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है आपकी गाइस. हमारे पास 3 मेजर खाना आ गए हैं. गुड लक आपके साथ है. थ्रॉट चक्रा नंबर 5. ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इनको नहीं लूंगी. ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बैलेंस कार्ड. ओके, मैं इस कार्ड को मैं अरेंज कर लेती हूँ गाइस कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ कार्ड्स का मतलब. जी, तो आप जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस. ठीक है, तो ये साइन हमारे पास आए हैं. वैसे मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ सभी साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्पेशल साइंस आए थे ये मैंने आपको बता दिए. ठीक है, सन, मून, वीनस, राइजिंग, कहीं पर भी आपके ये साइन हो सकते हैं, तो आप देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, सिर्फ एक कार्ड्स को छोड़ के. ठीक है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम. तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, पहले मैं इसी कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर नहीं है तो आप बोर हो रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं. तो जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको अपनी लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. टाइम अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, आपको उस टाइम के साथ डील करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है. ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने कही थी वही चीज़ आपके साथ हो रही है. ठीक है, हो सकता है कि अब आपने सोच लिया है कि जो भी टफ टाइम है, चैलेंजेस है, हार्डशिप है, आप उससे अवेयर होंगे. ठीक है, उसके साथ डील करेंगे. डेफिनेटली आप इतने समझदार बनेंगे कि हार्ड टाइम के साथ, हार्डशिप्स के साथ डील कैसे करें, कैसे निकले. ठीक है, मैंने कहा था ना, गॉड उसी की लाइफ में हार्डशिप भेजते हैं जिन पर उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ, ये पर्सन बिल्कुल मेरे जितने भी दिए हुए चैलेंजेस हैं उनके साथ ये पर्सन डील कर पाएंगे. तो उसी की लाइफ में हार्डशिप आता है गाइस, सबसे पहली बात. और दूसरी बात ये है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस हैं कि यस, मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, चैलेंजेस जो भी आएंगे उसके साथ डील करना है, आगे बढ़ना है. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको अपनी डेस्टिनी पर बिल्कुल विश्वास है. एक कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिख गया है वो कभी कोई छीन कर नहीं लेके जाएगा. ठीक है, वो वाली आपके अंदर से आपका मन कह रहा है और बिल्कुल आप अपनी डेस्टिनी पर बिल्कुल भरोसा रखे हैं. और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे तो डेफिनेटली गुड लक तो आपके साथ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ये कार्ड, ये गुड लक बताता है. डेफिनेटली आपके साथ आपका गुड लक है. और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बोर्डम मतलब बोर फील कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि आप डील कर पाएं चीज़ों के साथ, डील कर पाएं. आप गॉड के साथ अपना कनेक्शन भी स्ट्रांग कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं. ठीक है, चैलेंजेस के साथ किस तरीके से डील करना है ये चीज़ आप सीख रहे हैं. डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है. अगर आप बोर फील करते हैं, डिस्कनेक्ट फील करते हैं कि आपकी लाइफ में कभी खुशियां नहीं आएगी, तो आप समझ रहे हैं इन सब बातों को कि लाइफ में जो होता है रीज़न होता है, चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके साथ डील कर रहे हैं.
क्योंकि ये जो चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली आपको एक बहुत बेटर पर्सन बना देंगे। ठीक है, सिक्स ऑफ मेमोरीज ऑफ लव, इट मीन सिक्स ऑफ कप्स होता है ये कार्ड, तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को भी उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोलमेट को डेफिनेटली आप हो, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप बिल्कुल अपने सोलमेट को भूल नहीं रहे हैं। ठीक है, आप जिसके भी साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आप अभी जो नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे डेफिनेटली आप उनकी काफ़ी अच्छी, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है साथ में, आप उनकी सारी अच्छी बातें याद करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि मेरा जो कनेक्शन है ना ये बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आपको फील होगा। आपको अपनी डेस्टिनी पर बिलीव है, आपको अपने कनेक्शन पर बिलीव है कि डेफिनेटली जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका रीज़न है और आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाना है। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। आप अपने पार्टनर को तो याद करेंगे लेकिन एक स्ट्रांग कनेक्शन भी फील करेंगे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं, इनफ हैं अपने लिए, आपके अंदर वो सभी क्वालिटी है जो एक पर्सन में होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, ब्यूटीफुल हैं, चाहे फिर आप लड़के हैं या लड़की हैं। ठीक है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मतलब दूसरों के लिए आपके मन में हेट नहीं आता है, आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, आपका नेचर बहुत ही अच्छा है सच में। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी हाई पावर में हैं और आप इस पावर को बिल्कुल ऐसे ही बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब एक कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड होता है गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, आप बहुत ही अच्छे हैं और आप ऐसे ही रहिए, किसी के लिए बदलिए मत। एंड थ्रॉट चक्रा, आप अपना थ्रॉट चक्रा ओपन करेंगे, आपके जो भी विशेज हैं, आपके जो भी गोल हैं, आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे, जो भी आपको करना पसंद है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट भी करेंगे। ठीक है, एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करेंगे या फिर आप अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये भी हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसा आइडिया है, आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई न्यू जॉब, कोई न्यू डिग्री या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। ठीक है, और मैं यहाँ से ये दो कार्ड्स भी देख रही हूँ, आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, आपके सोलमेट डेफिनेटली आपके आप उनके ड्रीम में आएंगे या वो आपके ड्रीम में आएंगे। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप इसी तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका जो ओवरऑल फोकस है वो है बैलेंस, बैलेंस में आना है आपको। ठीक है, अपने वर्क में भी और अपनी लव लाइफ में भी आपको बैलेंस चाहिए और ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। आप खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लव फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। आपको लगेगा कि यस यस यही है वो पार्टनर जो मेरी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और मैं बिल्कुल बैलेंस में आऊँगा या आऊँगी। और आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उसमें अपना हार्डवर्क लगाएंगे, बिल्कुल हार्डवर्क करेंगे आप इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी मैं अभी रेडी नहीं हूँ तो मैं कार्ड नहीं लूँगी। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, एनर्जी ओरेकल से भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि अब आप टेलीपैथी कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ड्रीम में या कोई साइन आपको ऐसे दिखेंगे जिससे आपका लव काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आप पॉजिटिव रहेंगे गाइस, ये चीज मैं यहां पर देख रही हूं। कम्युनिटी नंबर 7, ओके यस, ज़्यादा अब आप डिस्कनेक्ट फील नहीं करेंगे, आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको ओके इन वे नंबर 20 एंड विक्ट्री, वाओ। मैं एक कार्ड और लूंगी आपके लिए, यस विक्ट्री जैसा ही फील करेंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी भी अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अपने हीलिंग प्रोसेस को, बिलीव करेंगे अपनी डेस्टिनी पर, अपने आप पर। ओके, पेशेंस, ओके
तो ये विक्ट्री आपको मिलेगी, थोड़े से पेशेंस की जरूरत है क्योंकि अभी आपको बैलेंस में आना है। बैलेंस का मतलब भी पेशेंस ही होता है, पेशेंस रखिए, बैलेंस में आइए। तो ये विक्ट्री आपकी है, डेफिनेटली आपकी है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको डिस्कनेक्ट जैसा फील नहीं करना है खुद को, ठीक है। फ्रेंड्स में जाइए, कजन से मिलिए, ठीक है, खुश हो जाइए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आप अगर इंजॉय करेंगे डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप रोएंगे, परेशान होंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, ये विक्ट्री आपकी है, डेफिनेटली ये विक्ट्री आपकी है, पेशेंस रखिए, ओके। एंड दिस कार्ड रिप्रेजेंट दैट आपके पास सब कुछ है। आप देखिए ये जो पर्सन है, लेडी हैं, इनके हाथ में देखिए, इनके हाथ में पर्ल्स हैं, ठीक है, और इनके यहाँ पर हाथ में कुछ सिल्वर की चेन है, ठीक है, और ये एक सिल्वर रूम में खड़े हैं जो कि एक गोल्डन सिटी की तरफ देख रहे हैं। आप देखिए इस कार्ड को, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको दूसरों से जेलस करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कनेक्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चीज़ें आपके पास हैं आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास इनफ मनी है, आपके पास खुशियाँ भी हैं अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो, ठीक है। आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप ये विक्ट्री को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसी तरीके से सोचा तो आपको अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। आपके पास सब कुछ है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी से निकलना भी तो आप ही के हाथ में है ना। तो आप इस एनर्जी से बाहर आइए, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, एंड पेशेंस रखिए, चीज़ें सही टाइम पर आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये विक्ट्री आपके लिए है, डेफिनेटली ये विक्ट्री आपके लिए है। चलिए मैं आपके लिए गॉड एडवाइस ले लेती हूँ, गॉड आपको क्या एडवाइस देंगे, क्या कहेंगे गॉड आपसे, जो अभी आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपको जो भी आंसर जानने की जरूरत है आपके पास आ रहा है, ठीक है, ओके। एक और कार्ड आ गया, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल एडजस्ट करिए टाइम के साथ खुद को, और बैलेंस में तो आप आने की कोशिश कर ही रहे हैं, डेफिनेटली आप पूरा फोकस लगाएंगे बैलेंस में आने के लिए इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, और सोलमेट को भी अट्रैक्ट करेंगे अगर आप इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, खुश रहिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, एक कार्ड और आ गया हमारे पास, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके, एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। तो मैंने आपके लिए एडवाइस ली है गॉड से, कार्ड्स आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले बात है कि आपके जो भी आंसर्स हैं, आपको जो भी आंसर जानने की ज़रूरत है आपके पास आ रहे हैं। आपको टाइम के साथ एडजस्ट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, जब भी राइट टाइम होगा, गॉड टाइमिंग होगी, डेफिनेटली आपको सब कुछ चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने अपना नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप इसी कंडीशन में रहे, ऐसे ही रहे, बोर हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बैलेंस में आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में अच्छा, अगर आप ऐसे ही स्टक रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना नज़रिया डेफिनेटली बदलने की ज़रूरत है, खुद को हील करिए, चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, डील कीजिए उनके साथ, डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, इट मीन्स आपको मेडिटेशन करिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली पीस मिलेगा, आप बैलेंस में आएंगे, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी एडवाइस गॉड ने आपको दी हैं, तो जो भी आपके आंसर्स हैं आपके पास आ रहे हैं, आपके पास विक्ट्री भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं गॉड, और विक्ट्री आपकी होगी लेकिन सही टाइम पर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।